भारत के सामने लाचार हुई चीनी कंपनियां, भारत की एजेंसियों ने पकड़ ली चीन की गर्दन। पहले 84 ऐप पर बैन करके भारत ने दिखाई थी चीन को अपनी ताकत। अब मोबाइल फोन कंपनियों पर छापा मारकर निकाल दी अकड़। एक साथ 44 ठिकानों पर छापा, पूरा का पूरा चीन कांपा। भारत चीन की चौधराहट निकालते जा रहा है और इसके लिए भारत फूक फूक के कदम भी रख रहा। पहले भारत ने 54 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया और अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने वीवो समेत कई चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई कितनी बड़ी थी ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ईडी ने 40 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की है, लगभग 44 ठिकानों पर। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये छापेमारी क्यों, और क्या अब भारत ने तय कर लिया है कि चीनी ऐप्स के बाद चीनी मोबाइल फोन की दुकान बंद कराने की। दरअसल ये छापेमारी चीनी मोबाइल कंपनी वीवो और उससे संबंधित फर्मों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। सीबीआई इस मामले में पहले से जांच कर रही है। चीनी मोबाइल कंपनियां भारत में आईटी और ईडी के रडार पर है। इससे पहले जांच एजेंसियां एफवीएमए के तहत शाओमी के हेडसेट सीज किए थे, हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। ईडी ने यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की थी। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी वीवो और उससे जुड़ी फर्म के 44 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने आप को दुनिया का सुपर पावर मानने वाला चीन आज भारत के घुटनों पर आ गिरा है। इसे आप ऐसे समझिए कि जब से भारत ने देश के अंदर चीनी कंपनियों की निष्पक्ष जांच की है तो वो गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि उम्मीद है भारत से कि वो हमारी कंपनियों को निष्पक्ष माहौल देगा। खुद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा, चीन भारत की इस कार्रवाई पर पूरी नजर बनाए रखे है। हमें उम्मीद है कि भारत चीनी कंपनियों के लिए एक निष्पक्ष, न्याय संगत और बिना भेदभाव वाला कारोबारी माहौल मुहैया कराएगा, साथ ही नियमों और कानूनों के दायरे के अनुसार जांच करेगा और जरूरी कानूनों को लागू करेगा ताकि ग्लोबल निवेशकों का भरोसा बढ़ाया जा सके। हम चीनी कंपनियों को उनके वैध अधिकारों और हितों को बनाए रखने में हम मजबूत समर्थन करते हैं। इस बयान के पीछे की वजह यह थी कि चीन की स्वामित्व वाली मोबाइल कंपनी शाओमी पर हुई ईडी की कार्रवाई। सोचिए, भारत ने अभी तो कुछ ही चीनी कंपनियों पर छापे मारे हैं, लेकिन जब भारत देश के अंदर जितनी चीनी कंपनियों पर छापा मारेगा तो उसके खून के आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। खैर, चीन को ये समझ में आ गया कि भारत आज उसे टक्कर दे रहा, और उसे ये भी समझ में आ रहा कि भारत किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।